नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम आए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि शिवसेना की ओर से सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा जाता है तो देना चाहिए। बीजेपी और शिवसेना में फर्क है। दलवाई के पत्र लिखे जाने को लेकर शिवसेना ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आज कहा, हुसैन दलवाई समाजवादी नेता हैं, प्रोग्रेसिव परिवार से आते हैं, खत का स्वागत होना चाहिए। शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को कहा है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाने जा रही है। शिंदे ने कहा, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। कांग्रेस कभी भी धर्म या जाति के विचारों पर चलने वाली पार्टियों का समर्थन नहीं देगी। जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी किसी भी नए समीकरण से इनकार कर चुके हैं। एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना की सरकार बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर पवार ने शुक्रवार को कहा कि इस संबंध में उनकी पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं फडणवीस सरकार में वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार के बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना ने लिखा कि क्या राष्ट्रपति आपकी जेब में है। इससे पहले सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि अगर राज्य में 7 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गठन में मुख्य बाधा शिवसेना की 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग है। तो महाराष्ट्र में अब राजनीति और भी गर्माती जा रही है और ये देखना होगा कि अब महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है और कौन सी पार्टी किसको समर्थन देती है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।